नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि इसराइल और पैलेस्टीन में फिर से एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। वहाँ पर एरिया काफ़ी टेंस है। तो ऐसे जो सिचुएशंस है, इसराइल और पैलेस्टीन में काफ़ी बार हो चुका है। इससे पहले वो 3 लार्ज स्केल की वॉर लड़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों है कि इसराइल और पैलेस्टीन आपस में लड़ते रहते हैं, कि उनका वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये कुछ उसमें रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी रहती है, कभी भी वहाँ पे एरिया स्टेबल नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ वही जानेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे इसराइल की हिस्ट्री रही है, जिसकी वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट दोबारा दोबारा होते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि इसमें कि इसराइल की हिस्ट्री क्या है। हम पहले इसराइल की पूरी स्टार्टिंग से हिस्ट्री जानते हैं, ओटोमन एम्पायर से लेके आज तक की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, पहले हम वो जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मैप पे इसराइल की लोकेशन क्या है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक यहाँ पे एक छोटा सा देश है, इसराइल देश है। इसका इनलार्ज मैप ये है। इसके इस तरफ इजिप्ट कंट्री है, इधर जॉर्डन है, नीचे की तरफ सऊदी अरेबिया, ऊपर से सीरिया और लेबनान के साथ है ये। इसराइल में दो छोटे छोटे टेरिटरीज और हैं, मतलब इसराइल में है, इसी के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट है पूरा। ये गाजा स्ट्रिप इसराइल की टेरिटरी है। इसराइल इसे अपना टेरिटरी मानता है, गाजा मानता है कि ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। और साथ ही में यहाँ पे एक वेस्ट बैंक है, तो ये भी एक टेरिटरी है जो इसराइल मानता है कि ये हमारे कंट्री के अंदर टेरिटरी है, लेकिन वेस्ट बैंक कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में जानते हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इसराइल है। इसराइल में सबसे बड़ी सिटी, जो सबसे पॉपुलर सिटी है, वो है जेरूसलम। तो येरूसलम एक जो सिटी है, बहुत काफ़ी रिलीजियस साइट है। ये इसमें 3 रिलीजन का साइट है। इसमें जुइस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों रिलीजन के काफ़ी एक होली साइट है। तो जेरूसलम काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हमें इसराइल की हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। इसराइल की हिस्ट्री जानने से पहले हमें एक जेरूसलम की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ऐसा येरूसलम में क्या है। तो येरूसलम एक तीनों कंट्री का जंक्शन है, जहाँ पे जुइस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों आके मर्ज होते हैं। और ये तीनों रिलीजन एक सिंगल प्लेस पर है। उस सिंगल प्लेस का हम नाम है इंग्लिश में टेंपल माउंट। इंग्लिश में सिंपल एक प्लेस को टेंपल माउंट कहते हैं। हरम अल शरीफ इसे इस्लाम में कहते हैं, हर हवियात इसे हिब्रू में कहते हैं। ये मतलब उनकी रिलीजन लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे टेंपल माउंट के नाम से ही जाना जाता है। ये एक टेंपल माउंट एक कंपाउंड है, उसके अंदर ये द डोम ऑफ द रॉक, ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है जो टेंपल माउंट के अंदर है। और ये एक अल अक्सा मॉस्क है उसी के अंदर। और उस कंपाउंड के बाहर एक वेलिंग वॉल है, जो जुइस की एक है रिलीजियस साइट। वेलिंग वॉल जुइस की रिलीजियस साइट है। तो ये एक मैप है टेंपल माउंट का। टेंपल माउंट एक शहर में थोड़े से हाइट पर सिचुएटेड है। ये एक 35 एकड़ की लैंड है। ये पूरा एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड के बीच में ये है द डोम ऑफ द रॉक। ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ये मतलब इस्लामिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये वाली बिल्डिंग है अल अक्सा मॉस्क, ये भी एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है। और इसके वेस्टर्न साइड में, इस कंपाउंड के वेस्टर्न साइड में ये जो वॉल है, इसको ये वाली वॉल पूरी, ये वेस्टर्न वॉल है, या फिर इसे वेलिंग वॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो जुवीस हैं, यानी जुवीस को हिंदी में यहूदी, यहाँ पर आके अपनी पूजा करते हैं और इस वेलिंग वॉल पर रोते हैं वो लोग, ये उनकी मान्यता है। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है टेंपल माउंट का। यहीं पे इसी सिटी में क्रिश्चियनिटी का भी कुछ बिलीव्स हैं। तो क्या है वो बिलीव्स, अभी हम एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये चर्चेज हैं, तो इस सिटी में तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जीवस के टेम्पल्स भी, क्रिश्चियनिटी के लिए चर्चेज भी, और इस्लाम के लिए मस्जिद भी, मतलब तीनों चीज़ें इस सिटी में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जुइस की फेथ है ओवर द टेंपल माउंट, वो क्या है, जुइस ऐसा क्यों वो फेथ रखते हैं उसमें। तो जुइस के रिलीजन में ना दो बिलीव्स हैं, जुइस
टेंपल माउंट को लेके। सबसे पहला बिलीफ तो ये कहता है कि जो गॉड ने सबसे पहले जो ह्यूमन क्रिएट किया था एडम, उसको यहीं से किया था, इसी प्लेस से एडम को क्रिएट किया था, इसी प्लेस की जो मिट्टी को लेके उन्होंने इसी प्लेस से उस एडम को क्रिएट किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है उनके लिए, टेंपल माउंट। और दूसरा बिलीव ये कहता है कि जीविस में एक प्रॉफिट थे अब्राहम, तो अब्राहम के दो दो बेटे हुए, एक का नाम हुआ इस्माइल और एक का नाम हुआ इजाक। तो एक बार गॉड ने अब्राहम से अपने बेटे की बलि मांगी, तो उन्होंने कहा कि हम, उन्होंने एक प्लेस बताई कि उस प्लेस पर आना और उस प्लेस पर आने पर तुम्हें अपनी बेटी की बलि देनी होगी, अब्राहम ने कहा, अब्राहम को कहा गॉड ने। तो अब्राहम अपने बेटे इजाक को लेके वहाँ पर उस जगह पर पहुंचा। एक्चुअली वो जगह टेंपल माउंट ही है, ऐसा वो मानते हैं कि टेंपल माउंट जगह ही है जहाँ पर गॉड ने इब्राहिम को बुलाया था अपने बेटे की बलि के लिए। तो जब इब्राहिम अपने बेटे की बलि के लिए एग्री हो गया, तो गॉड ने एक एंजल भेजा इजाक को, और वहाँ पे उन्होंने बलि को रोक दिया। वो एक एंजल एक भेड़ को लेके आए थे, और उन्होंने इजाक के बदले भेड़ की बलि बलि दी। और ये एक इतना पूरा जो इंसिडेंट है वो टेंपल माउंट के ही एरिया में प्लेस हुआ था। इसीलिए 1000 BC में किंग सोलेमन ने यहाँ पर एक ग्रैंड टेंपल बनाया, और उसको कहा द फर्स्ट टेंपल। इसी इसी के लिए वहाँ पे फर्स्ट टेंपल बनाया था, किंग सोलेमन ने यहाँ पे फर्स्ट टेंपल बनाया। लेकिन बाद में वो बेबीलोन सिविलाइजेशन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फर्स्ट टेंपल को। आगे चल के 5 सेंचुरी बाद यानी कि 516 BC में ज्यूस ने दोबारा एक और टेंपल बनाया इसी प्लेस पर, उसको नाम दिया गया उन्होंने सेकंड टेंपल। तो जो सेकंड टेंपल था वो ज्यूस के लिए काफ़ी होली प्लेस था, उन्होंने कहा इसे होली ऑफ द होलीस्ट, मतलब पवित्र से भी ज़्यादा पवित्र। तो वहाँ पे आम आदमी को जाने की अलाउड नहीं था, जो नॉर्मल ज्यूस थे वो सिर्फ जो ऊपर बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं वही जाके अंदर अंदर एंटर कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी पूजा कर सकते हैं। ये सेकंड टेंपल था, करीब 600 साल तक ये रहा। इसके बाद 70 में इसको रोमन ने तोड़ दिया, 70s में इसको रोमन ने तोड़ दिया। तो वो जो टेंपल था उसकी एक वॉल आज भी प्रेजेंट है वहाँ पर, वही वॉल वेस्टर्न वॉल है, ये जो हमने इमेज देखी थी। तो ये जो वॉल है जिसको हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं, ये एक्चुअली उसी सेकंड टेंपल का एक हिस्सा है। तो इसी को वो अपने पूजा करने की जगह मानते हैं ज्यूस यहूदी। तो ये तो हुई यहूदी की फेथ ओवर द टेंपल माउंट। लेकिन अगर अब इस्लामिक फेथ की बात करें, तो इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि ये मक्का और मदीना के बाद ये तीसरी सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। इसको हरमल शरीफ कहा गया है, और ये 35 एकड़ में जेरूसलम में है। इसके अकॉर्डिंगली एक एक रात 1621 की एक रात में प्रॉफिट मोहम्मद जेरूसलम आए मक्का से अपने उड़ते हुए घोड़े पर, और वहाँ से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया और उन्होंने उपदेश दिए। तो उनके बिलीव्स ये कहते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने आधी रात में वो आए थे घोड़े पर लेके, उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाद में एक मस्जिद बनवाया, और उस मस्जिद का नाम रखा अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद का मतलब हुआ जो कि बहुत दूर है, अल अक्सा का मतलब जो कि बहुत दूर है, क्योंकि वो काफ़ी दूर था वहाँ से मक्का मदीना वाली सिटी से, तो इसीलिए उसका नाम अल अक्सा मस्जिद रखवाया गया। और जहाँ पर वो आए प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से अपने उड़ते हुए उड़ने वाले घोड़े पर, जहाँ पर वो रुके पहली बार उन्होंने पैर रखा, वहाँ पर उन्होंने अल अक्सा मॉस्क बनवाया। और जहाँ से थोड़ी सी दूर है, मतलब वहाँ से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया, वहाँ पर द रॉक, द डोम ऑफ द रॉक वहाँ पे बनवाया उन्होंने। जो इस बिलीव करते हैं कि ये जो मॉस्क है और द डोम ऑफ द रॉक है, ये उनके टेंपल की ज़मीन पर है। इस यहाँ पर पहले उनके टेंपल हुआ करते थे, बाद में जो तोड़ दिए गए, तो इस जगह पर उन्होंने मुस्लिम्स ने अपने मस्जिद कंस्ट्रक्ट करे।
तो ये इस चीज़ को लेके, इसीलिए टेंपल माउंट को लेके उन दोनों के बीच में वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि ये एक्चुअली ये दोनों ही होलियस्ट साइट हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों ही अपनी साइट मानते हैं। तो ये तो हो गई उनके रिलीजन की बात, लेकिन अगर हम इसराइल एज अ कंट्री की बात करें कि इसराइल एज अ कंट्री कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इसराइल एज अ कंट्री क्या हुआ था स्टार्टिंग में। तो इसराइल जो है कि वो आज की यहाँ कई लोकेशन में लाई करता है इसराइल। तो ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, ये एक ओटोमन एम्पायर में आता है। 1829 का ये मैप है, जहाँ पे ये ओटोमन एम्पायर का मैप है। तो 14th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ। ये एक टर्किश एम्पायर है, ये मतलब टर्की कंट्री से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये पूरे मिडिल ईस्ट में इन्होंने फैलना शुरू कर दिया। तो 1829 में, अगर ये जो एरिया है जहाँ पर आज का इसराइल है, इसको पहले पैलेस्टीन कहा गया, मतलब पूरे एरिया को पहले पैलेस्टीन कहा गया। तो इस पैलेस्टीन एरिया में तब ओन 3% ज्यूज रहते थे, बाकी के मुस्लिम्स और एक छोटे मोटे रिलीजन जो लोग रहते थे वहाँ पर, मतलब मेजोरली जो लोग रहते थे वो मुस्लिम लोग रहते थे, और सिर्फ 3% ही ज्यूज वहाँ पर रहते थे। यहूदी सिर्फ 3% ही थे वहाँ पर। तो ये तो 1829 की सिचुएशन है। तो स्टार्टिंग इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई मेनली 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी मतलब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं सदी जब ख़त्म में यूरोपियन साइड में एक नेशनलिज्म वेव चल रही थी। मतलब जो फ्रेंच और ये जर्मन लोग हैं, वो अपना एक सेपरेट कंट्री मांग रहे थे। तो यही नेशनलिज्म वेव्स ज्यूस के अंदर आई। उन्होंने भी सोचा कि हमें भी हमारी एक नई कंट्री बननी चाहिए। तो इसी चीज़ को उन्होंने जायनिज्म एक मूवमेंट कहा। जायनिज्म मूवमेंट क्या है कि जब ज्यूज अपने देश दोबारा लौटने लगे, वो डिमांड करने लगे कि हमें अपने देश में दोबारा लौटना है, तो जितने भी ज्यूज यूरोप में थे, तो वो यूरोप से वापस दोबारा अपने कंट्री आना चाहते थे। इसी आने की मूवमेंट को उन्होंने जायनिज्म मूवमेंट कहा। तो वो अब अपनी कंट्री दोबारा आना चाहते थे। वो अपनी कंट्री फलस्तीन वाले एरिया को अपनी कंट्री क्लेम करते हैं, और वो उसी कंट्री में, उसी एरिया में दोबारा आके अपनी एज अ कंट्री बसाना चाहते हैं। तो ये 19th सेंचुरी के एंड में ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो 1914 में, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, तो इंग्लैंड ने ओटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया। इंग्लैंड और अदर कंट्रीज ने ओटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया, और उन्होंने सोचा कि हम इस ओटोमन एम्पायर पर अब अपना शासन करेंगे, इस पर राज करेंगे, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। तो 1915 में, पहले 1915 में यूके ने सऊदी अरब को कहा कि तुम हमारा वर्ल्ड वॉर 1 में हमें सपोर्ट करो, और इसके बदले में जो पैलेस्टीन में जहाँ पे अरबिक लोग रहते हैं, मतलब पैलेस्टीन में पहले अरब लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो हम ये सारा पैलेस्टीन का एरिया तुम्हें दे देंगे। ऐसा यूके ने सऊदी को कहा, ताकि वो उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हें सपोर्ट चाहिए थी सऊदी की। तो यहाँ पे 1915 में सऊदी को दे दिया, ऐसा सऊदी को देने की बात कही यूके ने, पैलेस्टीन सऊदी को देने की बात कही 1914 में। मतलब सऊदी को कहने से पहले 1914 में एक स्काइस पिको एग्रीमेंट हुआ। स्काई पीको एग्रीमेंट हुआ यूके, फ्रांस और रशिया के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो जब ओटोमन एम्पायर पे वो अटैक करेंगे, तो ओटोमन एम्पायर का वो कुछ पार्ट आपस में डिवाइड कर लेंगे। उनका डिवीजन कुछ इस टाइप से था कि सीरिया और जॉर्डन का जो पार्ट था वो फ्रांस को जाएगा, टर्की का जो पार्ट है वो रशिया को जाएगा, और पैलेस्टीन जो है वो यूके खुद रख लेगा। पहले ये 1914 में इनका इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एग्रीमेंट में उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीन यूके को चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि 1950 में यूके कहता है सऊदी को कि पैलेस्टीन तुम रख लेना। तो यहाँ पे सऊदी ने दो लोगों को कह दिया पैलेस्टीन लेने के लिए। लेकिन उसी के बाद 1917 में एक बेलफर डिक्लेरेशन हुआ। बेलफर डिक्लेरेशन में सर लूथर बेलफर ने एक डिक्लेरेशन किया, जिसमें पैलेस्टीन यानी कि ज्यूइश लोगों को कहा कि तुम्हें एक तुम्हारी कंट्री चाहिए, तो हम तुम्हारी कंट्री दिलवाएंगे, तो तुम्हारी कंट्री जो पैलेस्टीन है वो तुम्हारी कंट्री हो जाएगी, और वो पैलेस्टीन हम तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ पे यूके ने तीन लोगों को तीन अलग अलग प्रोमिसज कर दिए। पहले स्टार्टिंग में तो साई स्काई पिको एग्रीमेंट में ये कह दिया कि पैलेस्टीन हम रख लेंगे,
और बाकी के उधर सऊदी को उन्होंने कह दिया कि हम तुम हमारा सपोर्ट करो और पैलेस्टीन हम तुम्हें दे देंगे, वहीं यहाँ पे जूस लोगों को ये कह दिया कि पैलेस्टीन हम तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ पे ही इन्होंने तीन तीन डिफरेंट पार्टीज, मतलब खुद को इंक्लूड करके उन्होंने तीन अलग अलग डिफरेंट लोगों को यहाँ पे ये ऐसा बोल दिया कि पैलेस्टीन तुम रख लेना। नेक्स्ट ईयर जब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ तो जूस ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। वो यूरोप में काफ़ी परेशान थे, जूस जो यहूदी लोग थे यूरोप में काफ़ी परेशान थे, हिटलर उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था, तो इसीलिए वो अपने कंट्री दोबारा आना चाहते हैं जहाँ पे वो पीसफुली रह सकें। तो जूस ने यूरोप से माइग्रेट करना शुरू कर दिया और वो अपनी कंट्री जिसे वो पैलेस्टीन पैलेस्टीन को अपनी कंट्री मानते हैं तो पैलेस्टीन में आना शुरू कर दिया। और क्योंकि जूस बहुत ज़्यादा थोड़े से रिच होते हैं तो उन्होंने वहाँ पर पैलेस्टीन में आके जो वहाँ के जो पैलेस्टीनियन ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग बसे हुए थे उनसे पैसों में ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने एक ज़मीन के बगल में अलग दूसरी ज़मीन, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो जूस लोग थे उनकी सेटलमेंट बनना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे वो ग्रो करते गए और उन्होंने 30 साल में, जो पहले जूस वहाँ पे सिर्फ 3% थे, तो 30 साल में वो 3% से बढ़कर 30% हो गए वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे अपनी छोटी छोटी एनक्लेव्स बना ली और एनक्लेव्स के बीच में अगर कोई पैलेस्टीनियन पर्सन था तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। जैसे कि ये एक सर्कल में छोटी छोटी एनक्लेव, ये सारी जूस एनक्लेव है, अगर इसके बीच में कोई भी पैलेस्टीनियन पर्सन की अगर लैंड है तो उसे जबरन ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंक दिया करते थे। और ये पूरा एरिया को अपने अपना ऊपर कब्जा, मतलब अपने अपना कब्जा लिया इन लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी और कुछ पैलेस्टीन को वहीं से भगा दिया ज़मीन से। तो इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अब यहाँ पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अब ये 30% यहाँ पे अपने एरिया में ग्रो कर गए। तो 1920 में एक ब्रिटिश ने मैंडेट निकाला पैलेस्टीन के लिए। उस मैंडेट में क्या कहा गया, ओटोमन एम्पायर का जो पार्ट था उन्होंने ओटोमन एम्पायर का, यानी कि 1920 में मैंडेट में जो ओटोमन एम्पायर है उसका डिवीज़न हुआ। उसका डिवीज़न क्या हुआ कि जो फ्रांस को मिला यूके को और रशिया को, वो बहुत सारी स्पेस बहुत सारे रीजन मिले जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके थे साइज पिको एग्रीमेंट में, तो वो ही डिवीज़न दोबारा मिले। जैसे कि ये एक मैंडेट निकाला था, तो ये आज का इसराइल ये कंट्री है और ये है जॉर्डन। तो पहले जॉर्डन और इसराइल को मर्ज करके एक ब्रिटिश ने मैंडेट निकाला था कि ये वाला जो होगा ये पैलेस्टीन मैंडेट होगा, बाकी का जो ये इराक है वो ब्रिटिश रख लेगा, जो सीरिया है वो फ्रेंच रख लेगा, जो लेबनान है वो भी फ्रेंच रख लेगा। तो ये कुछ इस टाइप से मैंडेट था कि जो पूरा एरिया है वो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। ये पूरा एरिया पहले बेसिकली ओटोमन एम्पायर में आता था, लेकिन ओटोमन एम्पायर जब टूट गया, पूरा बिखर गया, तो इस पूरे रीजन का डिवीज़न हुआ। और डिवीज़न में बाकी अलग अलग कंट्री ने अपना अपना पार्टीशन ले लिया जो कि साइज पिको एग्रीमेंट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। तो 1920 में इन्होंने अपनी अपनी कंट्री ने यहाँ पे अपना कब्जा शुरू कर दिया और इसराइल को, इसराइल तो अभी बना भी नहीं था यहाँ पे, मतलब पैलेस्टीन पैलेस्टीन के पास ये वाला वाइट वाला एरिया आया। तो ये ब्रिटिश मैंडेट में आया पैलेस्टीन को वाइट वाला एरिया। इसी के बाद सेम ईयर में लीग ऑफ द नेशन बना जूस और पैलेस्टीनियन के बीच में, तो इस वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रीजन बन चुका था। तो लीग ऑफ द नेशन ने ये डिसाइड किया कि इसको उठा के यूके के पास दे दिया जाएगा, यूके इस पे कंट्रोल करेगा। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ तो हिटलर ने काफ़ी टॉर्चर किया जूस पीपल के पीपल को लेके, और वो उन्होंने अल्टीमेटली, मतलब फिर जो पीपल माइग्रेट कर रहे थे यूरोप से पैलेस्टीन के लिए, तो उन्होंने और ज़्यादा फास्ट हो गया, ज़्यादा 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 लोग यूरोप से पैलेस्टीन आने लगे क्योंकि वो मार रहा था हिटलर उन्हें। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पैलेस्टीन में आना पड़ा यूरोप से। तो इस वजह से ये एक रीज़न रहा कि जूस लोग ज़्यादा पैलेस्टीन की तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को खतरा था हिटलर से। तो 1945 में यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। और 1947 में यूके ने पैलेस्टीन वाला जो इतना भी मैटर है उसको उठा के यूएनओ में दे दिया। तो जब
इंग्लैंड ने यूएनओ में सारा पैलेस्टीन वाला मैटर दे दिया, तो यूएनओ ने उसको स्टैंड उसको उसका रिजल्ट निकाला कि जो पील कमीशन है, एक पील कमीशन और स्टार्टिंग में बनी थी, जो जिस पील कमीशन ने रिकमेंड किया था कि पूरे जो पैलेस्टीन का रीज़न है, ये जो पूरा पैलेस्टीन का रीज़न है, इसको डिवाइड कर देना चाहिए, और डिवाइड ऐसे कर देना चाहिए कि जो 44% है वो जीज़ को दे देना चाहिए, और 55% अरब को दे देना चाहिए, मतलब पैलेस्टीन का होना चाहिए, और 1% जो कि जेरूसलम है, वो जेरूसलम एक रिलीजियस साइट है क्योंकि तीनों रिलीजन की, तो यूएनओ ने वो तीनों साइट अपने, वो यरूशलेम का जो साइट है वो अपने पास रखना चाहा। तो 44% और 55% में दोनों में डिवीज़न हो गया, तो ये 1947 में। इसके बाद क्या हुआ, जो अभी तक पैलेस्टीन इंग्लैंड के पास था उसने यूएनओ में दे दिया, और यूएनओ में पार्टीशन हो गया, तो 1948 में इंग्लैंड वॉकआउट कर गया पूरे इसराइल वाले रीजन से, मतलब कि उस टाइम के पैलेस्टीन वाले रीजन से वो पूरा वॉकआउट कर दिया। अब जो कि मैटर है वो यूएनओ में रिजोल्व हो चुका है, इंग्लैंड ऑफिशियली 14 मई 1948 को वहां से वॉकआउट कर गया। अब इसराइल, जैसे ही इंग्लैंड वहां से वॉकआउट किया, तो इसराइल बिकम अ कंट्री, मतलब कि 1948 में इसराइल एक ऐसा कंट्री बन गया। लेकिन इसराइल को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिली अपने नेबरिंग कंट्री से, क्योंकि उसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो इसराइल को, नेबरिंग कंट्री सारी अरेबियन कंट्रीज हैं, और अरेबियन कंट्रीज कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर एक जूश कंट्री स्टेबल हो, तो इसीलिए कभी भी नेबरिंग कंट्री ने उन्हें एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसराइल बेशक यहाँ पे कंट्री बन चुका था, लेकिन उसने उसके नेबरिंग कंट्री ने उसे कभी भी एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये कुछ पील कमीशन के अकॉर्डिंगली पार्टीशन था, 44% ये जूइस को है, तो जितना भी ये एरिया है वो जूइस है, बाकी का ये पर्पल एरिया अरब को दिया गया, और ये 1% जो है वो ये जेरूसलम का एरिया, येरूसलम का, इसको यूएनओ ने अपनी कस्टडी में रखा। ये यूएनओ में 1947 में जो पार्टीशन के लिए उन्होंने एग्री किया था, तो वो ये पील कमीशन के अकॉर्डिंगली ऐसा डिवीज़न था। 1948 में फर्स्ट इसराइल अरब वॉर हुआ। अब इसराइल एक नया कंट्री बन चुका था, 1948 में ही इसराइल एक नया कंट्री बना था। अब क्योंकि बाकी की नेबरिंग कंट्री उस कंट्री से खुश नहीं थे, तो 6 कंट्रीज ने मिलकर, इजिप्ट, इजिप्ट, लीबिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान, इन सब ने मिलकर इजिप्ट इसराइल पर अटैक कर दिया। इसराइल अभी अभी एक नया कंट्री बना है, तो उन्होंने जस्ट अभी पहली वॉर लड़ी, और इसराइल ने पहली वॉर जब लड़ी तो 80% और एरिया वहाँ पे उसने, इसराइल ने हथिया लिया और अपनी टेरिटरी उसने बढ़ा ली। इस वॉर में जो गाजा स्ट्रिप है उस पे कब्जा इजिप्ट ने कर लिया, और वेस्ट बैंक पर कब्जा जॉर्डन ने कर लिया। तो ये पूरे 6 कंट्रीज ने मिलकर उस पर अटैक किया, और इजिप्ट, इसराइल का ये हिस्सा चला गया, जो गाजा स्ट्रिप है इजिप्ट को चली गई, और वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है वो जॉर्डन को चला गया। गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप है जो कि एक अगले मैप में दिखा रहे, हाँ, ये जो गाजा स्ट्रिप है ये वाला रीजन, और ये पूरा वेस्ट बैंक का, एक्चुअली ये पैलेस्टाइन वाला रीजन है, यहाँ पे दोनों पैलेस्टाइन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये वाइट वाला रीजन इसराइल का है। तो इसराइल ने ये दोनों एरिया को दे दिया, मतलब खो दिया, युद्ध में हार लिया, और इजिप्ट ने यहाँ से, ये इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट ने इस गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा कर लिया, और ये बगल से जॉर्डन है, जॉर्डन ने इस वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया। 1948 के बाद 1956 में स्वीज कैनाल क्राइसिस हुआ था। ये स्वीज कैनाल क्राइसिस एक अलग ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड है नहीं। इसमें क्या था कि जो इसराइल, इजिप्ट और ये इजिप्ट के बीच में एक कैनाल है, ये कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, और ये पूरा एक बहुत वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो जब इजिप्ट ने इस कैनाल को नेशनलाइज किया गया था, तब उसने अनाउंस किया था कि इसराइल अपनी शिप को यहाँ से पास नहीं कर सकता है, तो इसी के अगेंस्ट इसराइल ने वहाँ पे वॉर किया इजिप्ट के साथ, एक छोटा सा वॉर हुआ जिसमें अल्टीमेटली इजिप्ट जीत गया था, और बाद में अल्टीमेटली इसराइल जीत गया था, बाद में इजिप्ट एग्री हुआ कि इसराइल अपनी यहाँ से शिप्स को पास कर सकता है इस स्वेज कैनाल से। तो
ये तो एक छोटा सा मतलब ऑफ टॉपिक वॉर था, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट वॉर था इजिप्ट ने, इसराइल ने जो लड़ा था। इसके बाद 1967 में करीब 9 साल बाद ही, मतलब 11 साल बाद ही, एक सिक्स डे वॉर, बहुत फेमस वॉर है वो, सिक्स डे वॉर है। तो इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, इन मतलब इसराइल और इजिप्ट जॉर्डन के बीच में एक सिक्स डे वॉर हुआ। सिक्स डे वॉर प्री एम्प्टिव वॉर था। प्री एम्प्टिव वॉर मतलब इजिप्ट इसराइल पर अटैक करना चाहता था। ये इजिप्ट है पूरा, इजिप्ट इसराइल पर अटैक करना चाहता था। उसके अटैक करने से पहले ही इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो दुश्मन के अटैक करने से पहले ही अगर उस पर अटैक कर दें तो वो प्री एम्प्टिव वॉर कहलाता है। तो एक प्री एम्प्टिव वॉर था। तो इसराइल ने जो गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप इजिप्ट ने ऑक्यूपाई किया था वो वापस ले लिया। इसके बाद इसने एक सिनाई पेनिनसुला, ये वाला जो सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला इजिप्ट का रीजन है। ये पूरा इतना बड़ा रीजन भी इजिप्ट का रीजन इसराइल ने हथिया लिया था। और वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम, जॉर्डन से ये पूरा वेस्ट बैंक वाला रीजन यहाँ से जॉर्डन से ले लिया था। और सीरिया से ये गोलन हाइट वाला, यहाँ पे गोलन की पहाड़ियाँ हैं, तो ये गोलन हाइट वाला रीजन यहाँ से ले लिया था। तो मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा एरिया ले लिया था सिक्स डे वॉर में, और उसने अपना टोटल एरिया जो है वो ट्रिपल कर दिया था इस सिक्स डे वॉर में। तो यहाँ पे इसराइल को काफ़ी बड़ी विक्ट्री मिली थी। अब सिक्स डे वॉर के रिजल्ट में, सिक्स डे वॉर के रिजल्ट में इजिप्ट ने एक, ये इजिप्ट है, इजिप्ट ने दोबारा इसराइल पर अटैक किया 1973 में। एक फेमस वॉर है योम किम्पुर वॉर। योम किम्पुर बेसिकली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो इस कल्चर में है। तो जिस दिन इसराइल में ये योम किम्पुर ये फेस्टिवल बनाया जा रहा था, उसी सेम डे पर इजिप्ट ने बहुत सीक्रेटली तरीके से इसराइल पर अटैक कर दिया था उस सिक्स डे वॉर के अगेंस्ट में। उसका वो रिस्पॉन्स के जो उसने सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे जीत लिया था इसराइल ने, तो इजिप्ट अपना सिनाई पेनिनसुला दोबारा चाहता है। तो इसीलिए वहाँ पे सिक्स डे वॉर हुआ, और इसमें भी, सिक्स डे वॉर में भी इसराइल जीत गया और इजिप्ट हार गया। तो इसी के बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। ये अकॉर्ड क्या कहता है कि इस अकॉर्ड के अंतर्गत इसराइल ने जो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से हथियाया था वो उसको दोबारा वापस कर देगा। इसके बदले इजिप्ट इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, कैम्प डेविड अकॉर्ड्स के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि इजिप्ट अब इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद एक 1982 में एक लेबनन वॉर होता है। लेबनन वॉर क्या होता है कि जो पैलेस्टीन इसराइल की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, उन्होंने लेबनन कंट्री से, ये लेबनन कंट्री है, यहाँ से इसराइल का बॉर्डर लगता है, तो लेबनन के थ्रू इन्होंने इसराइल पर अटैक किया। जो इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने इसराइल पे ही अटैक किया। तो इसके फिर इसी के रेस्पॉन्स में इसराइल ने दोबारा लेबनन पर अटैक किया। तो ये काफ़ी क्रूशियल अटैक था, यहाँ पे काफ़ी सिविलियंस ने अपनी जान खोई थी, लेकिन फिर भी इसमें भी इसराइल ये वॉर जीत गया। तो यहाँ पे लगातार इसराइल ने लगभग लगभग 5 वॉर लड़ी और पांचों की पांचों वॉर जीत चुका था। अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका था। अब ये स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका था, इसके बाद कोई भी बड़ी कंट्री ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था। तो अब ये जो एक्सटर्नल मैटर है, इसने अपने पूरे सॉर्टेड किया, सेटल डाउन किया। अब धीरे धीरे कंट्री इसको मानने लगी एज अ कंट्री। इसके बाद यूएई कंट्री ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री। इजिप्ट तो पहले कर ही चुका था, तो आस पड़ोस में और भी जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जो अरब कंट्री हैं वो उसको आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं इसराइल को एज अ कंट्री। तो ये इसराइल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी इसराइल एग्जिस्ट किया। इसके बाद इसकी कंट्री में काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई। इसराइल दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा जो ज्यूज लोग थे उसके अंदर रहते थे, और इसके बाद एक हिस्सा जहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते थे। दोनों ही चाहते थे कि
वो जो उनके सामने वाला हिस्सा है, जैसे कि पैलेस्टीनियन लोग चाहते थे इसराइल वाला हिस्सा पूरा उनका बन जाए, लेकिन इसराइल वाले चाहते थे पैलेस्टीनियन वाला हिस्सा भी, पैलेस्टीन का भी हिस्सा वो उनके में शामिल हो जाए। तो इसीलिए उनके बीच में कभी भी पीस रहा नहीं। तो 1987 में फर्स्ट इंतफिदा हुआ। इंतफिदा मतलब कि एक रेवोल्यूशन हुआ पैलेस्टीन लोगों की तरफ से, जिसमें वो चाहते थे कि जो इसराइल की टेरिटरी है वो हमारी टेरिटरी हो। मतलब वो इसराइल को मानते ही नहीं थे कि मतलब इसराइल कोई एग्जिस्ट करता है, वो पैलेस्टीन का ही पूरा रीजन है पैलेस्टाइन, तो ये पूरा पैलेस्टाइन का रीजन होना चाहिए था। तो इसीलिए इस फर्स्ट इंतफिदा में एक PLO बनी, यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि वो चाहते थे कि जो पैलेस्टीन है वो पॉलिटिकली तरीके से इसराइल को मनाए कि पैलेस्टाइन एक एज अ कंट्री है ये। लेकिन इनकी पूरी मेन आइडियोलॉजी ये थी PLO की, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये बहुत सारा काम पीसफुली चाहते थे और बहुत पॉलिटिकल वे में चाहते थे। जो इनके बहुत बड़े लीडर थे वो थे यासिर अराफात। तो यासिर अराफात जिनको नोबल पीस प्राइज भी मिला है, यासिर अराफात को, तो ये इनके लीडर थे। तो ये मतलब चाहते थे कि बहुत पीसफुली ये चीज़ें एक्वायर करें पैलेस्टीन को लेके। लेकिन वहीं पे इन लोगों में से ही एक ग्रुप था उसका हमास। हमास एक लोगों का ग्रुप है जो 1988 में सामने आया था लोगों के सामने, लेकिन वो इस PLO से इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। वो समझते थे कि ये पीसफुली कुछ काम नहीं हो सकता, हमें वायलेंस ही करना पड़ेगा अगर हमें पैलेस्टीन को एज अ कंट्री बनाना है। तो इनका काम था ये वायलेंस के तौर पर ही ये अपने पैलेस्टीन को दोबारा लेना चाहते थे। बाद में कुछ कंट्रीज़ ने हमास को एज अ टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया, तो आज हमास को एज अ टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी मानते हैं। तो 1993 में फर्स्ट इंतफिदा है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड हुआ। ओस्लो एकॉर्ड क्या हुआ, एक इन दोनों ये है इसराइल के PM और ये यासिर अराफात जो कि PLO के प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ। इस पीस एग्रीमेंट जो अगले 5 साल तक के लिए पीस एग्रीमेंट था, इन दोनों ने एक दूसरे के स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो फेमस इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ उसे ओस्लो एकॉर्ड कहते हैं। ओस्लो एकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो नेगोशिएशन हुआ था वो हुआ था ओस्लो नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, तो ओस्लो में इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ था। बाद में तब के 1993 के टाइम के जो US प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, इन दोनों के बीच में इन्होंने एग्रीमेंट करवाया और वो एग्रीमेंट का नाम हुआ ओस्लो एकॉर्ड। एग्रीमेंट हुआ था वॉशिंगटन DC में। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था वॉशिंगटन DC में, लेकिन इसका सेटलमेंट जो हुआ था, नेगोशिएशन हुआ था, वो हुआ था ओस्लो में। तो इसीलिए से ओस्लो एकॉर्ड कहा गया 1993 में। इसके तहत इन ये दोनों इस चीज़ पर एग्री हुए कि अगले 5 साल के लिए यहाँ पे पीस बना रहेगा और पैलेस्टीन जो पैलेस्टाइन है इसराइल को एज अ कंट्री मानेगा और इसराइल भी पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री मानेगा। तो इन दोनों के बीच में ये सेटलमेंट हुआ। लेकिन बाद में ये सेटलमेंट चला नहीं, लेकिन ईयर 2000 में जब कैंप डेविड दूसरा, कैंप डेविड सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस टॉक थी दोनों ही पार्टियों के बीच में, ये फेल हो गए। कोई भी पार्टी आ गई, अब पीस के लिए एग्री नहीं था वहाँ पर। अब फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई और वही यही हुआ कि ईयर 2000 में सेकेंड इंतफिदा स्टार्टेड हुआ। सेकेंड इंतफिदा क्या हुआ कि एहूद बराक जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, तो एहूद बराक ने क्या किया, जो टेम्पल माउंट वाली साइट है वहाँ पर 1000 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर चले गए वहाँ पर। इस चीज़ को देख के वहाँ पे 1000 सिक्योरिटी गार्ड आई है। इस चीज़ को लेके जो पैलेस्टीन लोग हैं वहाँ पे काफ़ी वॉयलेंट हो गए और वहाँ पे एक हिंसा क्रिएट हो गई टेम्पल माउंट के एरिया में, क्योंकि टेम्पल माउंट दोनों ही धर्म के लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसीलिए उन दोनों ही धर्म के बीच में काफ़ी हिंसा हो गई। ये जो वॉयलेंट है, ये जो वॉयलेंस हुआ, ये फर्स्ट इंतफिदा से भी ज़्यादा वॉयलेंट था ये वॉयलेंस। इसमें करीब 1000 ज्यूज मारे गए और 3200 पैलेस्टीन मारे गए। पूरे शहर में इन्होंने बॉम्बिंग किया,
और जगह जगह बॉम्ब फोड़े, बसेस में बॉम्ब फोड़े, बाकी के पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने बॉम्ब फोड़े। तो मतलब काफ़ी अगले 5 साल तक यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बनी रही और वायलेंस होता रहा 5 साल तक। सो 2005 में ये सेकेंड इंतफादा ख़त्म हुआ। तो लेकिन इस 5 साल में काफ़ी टेंशन बना रहा था पूरे एरिया में, काफ़ी दंगे होते रहे, काफ़ी मतलब बॉम्ब्स फोड़े गए थे पब्लिक एरिया में, काफ़ी लोग मारे गए थे। इसके बाद आफ्टर 2005, 2005 के बाद ये कभी भी, इस इंसिडेंट के बाद ये कभी भी, दोनों पार्टी कभी भी एग्री नहीं हुई। पहले एक चांसेस रहते थे कि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं आके एक कंफ्यूजन सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन बाद में 2005 के बाद हमास एक मेन रूलिंग पार्टी बन चुका था गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में। हमास कभी नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में हो, ना ही इसराइल की तरफ से ये कोशिश थी कि दोनों के बीच में सेटलमेंट हो। अब दोनों चाहते थे कि मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है, कि अब दोनों कभी भी आपस में मर्ज होने की बात कर ही नहीं रखते थे। काफ़ी काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई थी दोनों के व्यवहार में। तो ये सिचुएशन आज भी एग्जैक्टली बनी हुई है। दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे का रीज़न उनके में शामिल हो। पैलेस्टाइन चाहता है कि उनकी एक नई कंट्री बने, इसराइल चाहता है कि पैलेस्टाइन की कोई कंट्री नहीं होनी चाहिए, इसराइल पैलेस्टाइन इसराइल का ही एक हिस्सा है। प्लस ये दोनों क्लेम करते हैं यरूशलम वाले एरिया पे। यरूशलम का जो एरिया है वो काफ़ी रिलीजियस एरिया है, और दोनों ही पैलेस्टाइन ने और इसराइल ने दोनों ही यरूशलम को अपनी कैपिटल घोषित कर रखा है, लेकिन वर्ल्ड में यरूशलम को एज अ इसराइल की कैपिटल नहीं माना जाता है। तेलावीव एक सिटी है इसराइल में, तो तेलावीव को ही यहाँ पे इंटरनेशनली माना जाता है कि इसराइल की कैपिटल है। लेकिन इसराइल कहता है कि जब पैलेस्टाइन जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम यरूशलम को अपनी कैपिटल बनाएंगे। वहीं यरूशलम ये कहता है, ओ सॉरी, जब पैलेस्टाइन ये कहता है कि जब इसराइल पे हम कॉन्कर कर लेंगे, यरूशलम को अपना अपने हिस्से में कर लेंगे, तो पैलेस्टाइन जब एज अ कंट्री बन जाएगा तो यरूशलम हमारा एक कैपिटल सिटी के तौर पे हम यरूशलम को बनाएंगे। तो दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहता है। दोनों चाहते हैं कि उनके उनको जगह मिले। अब दोनों के अपने अपने अलग अलग वैलिड पॉइंट्स हैं। पूरी दुनिया में सभी धर्मों के लिए उनकी एक नेशनल कंट्री है, जैसे कि फ्रेंच जो बोलते हैं वहाँ पे, उनके उनके लिए एक नई कंट्री फ्रांस बनाई गई। जर्मन जो बोलते हैं उनके लिए नई कंट्री जर्मनी बनाई गई, वैसे ही इटालियन के लिए इटली बनाई गई। तो उस टाइम पे ज्यूस चाहते थे कि हमारे लिए भी एक कंट्री बने, और उन्होंने फिर होम ग्राउंड चुनना चाहा अपना, जहाँ पे उनका रिलीजन स्टार्ट हुआ था। वहीं ऑलरेडी पैलेस्टाइन वहीं पे ऑलरेडी बसे हुए थे। जब ज्यूस आए तो उन्होंने पैलेस्टाइन लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को वहाँ से सेपरेट कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो फिलिस्तीन चाहते हैं कि ये ऑलरेडी उन्हीं की एक ज़मीन थी, जो फिर बाद में ज्यूस आ गए। तो दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी वैसा का वैसा ही है। दोनों ही उस एरिया पे अपने अपने क्लेम करते हैं, और दोनों के कहीं ना कहीं क्लेम किसी पॉइंट तक, किसी एक एक आध पॉइंट तक दोनों के क्लेम वैलिड भी हैं। वहीं पर हमास एक एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के सामने आता है। वो ज़्यादातर रॉकेट लॉन्च कर देता है इसराइल के ऊपर जब भी उनके वॉर होते हैं। तो इस पूरे वॉर में दोनों ही तरफ से सिविलियंस की जान जाती है, जो कि एक सही नहीं है। सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए दो कंट्रीज़ के वॉर में। तो इस वजह से काफ़ी ये टेंस एरिया बना रहता है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल ग्राउंड कुछ ऐसा है। जो ये वाइट वाला रीज़न है, ये इसराइल का रीज़न है जो आज का इसराइल है, और बाकी का ये वाला जो ये वेस्ट बैंक वाला रीज़न है, ये है फिलिस्तीनियों का रीज़न। और यहाँ पर दोनों के बीच में सेंटर पे यरूशलम सिटी लाई करती है। यरूशलम का वेस्टर्न पार्ट अभी इसराइल के पास है, और ईस्टर्न पार्ट वेस्ट बैंक के पास है। इसराइल ईस्टर्न पार्ट पे भी कब्जा करना चाहता है यरूशलम के, और पहले जो फिलिस्तीनी है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, वो अपना एज एक नई कंट्री डिमांड करते हैं। तो ये था पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, कि क्या वहाँ पे इतने वॉर क्यों रहते हैं, इतना वहाँ पे अनस्टेबल रीजन क्यों रहता है।
तो ये कुछ उनका हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पे सारी कंडीशन पैदा हुई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।